हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरी चैनल किचन कार्निवल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी स्माइली सैंडविच। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही हेल्दी है, तो बच्चों को आप यह दे सकते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, तो एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे। उसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा कप उबले हुए मटर। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई कैबेज, पत्ता गोभी, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, चाट मसाला लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और ये जो सैंडविच की हरी चटनी मैंने बनाई है वह ले लेंगे 2 छोटी चम्मच। इसमें पालक ज़रूर ऐड करें तो चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। अब स्टफिंग हमारा बनके रेडी हो गया है, उसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं। अब यह जो स्क्वायर ब्रेड है उसको हम राउंड शेप करके कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉटल का कैप ले लिया है, उससे ऐसे राउंड दबाते हुए ऐसा शेप दे देंगे। ऐसे ही हमें जितनी सैंडविच बनानी है सबका राउंड शेप बना के तैयार करके रख देंगे पहले से। अब तीनों स्लाइस पे हम बटर लगा देंगे। एक सैंडविच बनाने में हमें 3 ब्रेड लगेंगे। अब बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हरी चटनी लगा देंगे। चटनी मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए भी। अब यहाँ पे मैंने ककड़ी ले ली है, उसकी स्लाइसेस करके तैयार रख करके रख दी थी, वह 1 ब्रेड पे लगा देंगे। और दूसरी ब्रेड पे हमने जो स्टफिंग बनाया है मटर का वह लगा देंगे। अब यह जो दूसरी ब्रेड है उसको स्टफिंग वाली ब्रेड पे ऐसे रख देंगे और उसको जो लास्ट ब्रेड बची है उससे कवर कर देंगे। तो तैयार हो गई है हमारी बहुत ही अच्छी सैंडविच। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे, क्योंकि डेकोरेट करने से बच्चों को खाने में और भी मज़ा आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ककड़ी की स्लाइस, और उसको सीजर से कट कर देंगे। ऐसे लिप्स जैसा शेप बनाना है हमें। शेप कट करने के बाद उसको हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे हरी चटनी। अब आइस बनाएंगे हम ऑलिव से। 2 ऑलिव्स ले लिए हैं और उससे इसकी आइस बना ली है। और नोज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटो सॉस, तो उसका 1 ड्रॉप डाल के हम नोज़ बना के तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी बहुत ही अच्छी और हेल्दी स्माइली सैंडविच। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।